हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगी, जी हाँ, यॉनिंग। हम जमाई क्यों लेते हैं और किसी को जमाई लेता देखकर हमें जमाई कैसे आ जाती है, इसकी हमारी बॉडी में क्या अहमियत है, आइए जानते हैं। जमाई एक लाशऊरी अमल है। एवरेज एडल्ट दिन में 20 बार जमाई लेता है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दूसरे भी कई जानवर जमाई लेते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद और पहले भी जमाई लेता है। सबका ड्यूरेशन अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर ब्रेन साइज। जितना बड़ा दिमाग होता है जमाई का ड्यूरेशन भी उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे ह्यूमन का ड्यूरेशन 6 से 7 सेकेंड, चिंपैंजीज का 5 सेकेंड, माउस का 1.5 सेकेंड। जमाई हमें उमूमन तब आती है जब हम ज़्यादा नींद में होते हैं, या हम ज़्यादा थके हुए होते हैं, या हम बोरियत महसूस कर रहे होते हैं। जमाई के मुतालिक बहुत सी थ्योरीज हैं। करंट रिसर्च ये है कि थकावट या नींद का पूरा ना होना या मुसलसल दिमागी मुशक्कत से हमारा ब्रेन स्लो डाउन होने लगता है, ब्रेन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारा ब्रेन स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है। एग्जॉशन से ब्रेन टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमें जमाई आती है। इसके ज़रिए से हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। हार्ट रेट के बढ़ने से और पावरफुल जॉ स्ट्रेचिंग से नेक, हेड और फेशियल ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। ये मैकेनिज्म खून की रवानी बढ़ा के ब्रेन को कूल डाउन करता है। दिमाग की गर्मी, स्लीप साइकिल के डिस्टर्ब होने, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट और स्ट्रेस से मुंसलिक है। नींद की कमी से निमटने के लिए हम जमाई लेते हैं। यहाँ ये बात समझने की है कि जमाई हमें जगा कर नहीं रखती बल्कि हवा के झोंके की सूरत में दिमाग को सही टेम्परेचर पे रखती है। ऐसा क्यों है कि हम जब किसी को जमाई लेता देखते हैं तो हम भी जमाई लेते हैं? इसको ज़रा समझते हैं। हमारे ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब कोई एक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जब दूसरे वही एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो तब भी एक्टिवेट होते हैं। ये मिमिक्री नॉन कॉन्शियस होती है, अनइंटेंशनली कॉपी करते हैं हम। इसे कैमिलियन इफेक्ट कहते हैं, जब हम दूसरे के पोस्टर्स को कॉपी करते हैं विदाउट नोइंग इट। मिसाल के तौर पे लेग क्रॉसिंग हम अनइंटेंशनली कॉपी करते हैं, या कोई हमें जब मुस्कुरा के देखता है तो हम इसे पलट के मुस्कुरा के देखते हैं बिना ये जाने कि इसकी इंटेंशन क्या है। यहाँ ये जान के भी हैरानगी होगी आपको कि किसी को देख के लिपस्टिक लगाना भी अनइंटेंशनल है। इसके अलावा चिन का रगड़ना, नाक पे खारिश करना और यॉनिंग, ये भी अनइंटेंशनल है। यॉनिंग एक फिक्स एक्शन पैटर्न है, मतलब ऐसा बिहेवियर जो किसी स्टिमुलस की वजह से पैदा हो, इसे रोका ना जा सके, बदला ना जा सके, जब तक ख़त्म ना हो। चले मैं यॉनिंग का एक और फैक्ट बताती हूँ, शायद ये आपने खुद भी महसूस किया हो। लोग सर्दियों में ज़्यादा जमाई लेते हैं जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है, ठंडा होता है। इस तरह से हम अपने ब्रेन को कूल रखते हैं, जबकि गर्मियों में सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यॉनिंग से हम अपने ब्रेन को कूल नहीं कर पाते, इसलिए गर्मियों में जमाई ज़्यादा नहीं आती। यॉनिंग ज़्यादा कॉन्टेजियस तब होती है जब आप फैमिली मेम्बर्स और करीबी दोस्तों के दरमियान होते हैं, क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं हम उनसे इमोशनली अटैच्ड होते हैं, मेंटली लिंक्ड होते हैं, इसलिए इनके एक्शन हम ज़्यादा कॉपी करते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, बनिस्बत उनके जो स्ट्रेंजर्स होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।